देखिए जितनी बार आप रैंडम फंक्शन को चलाएंगे ना, रैंडम जो मॉड्यूल होता है उसको चलाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उतनी बार अलग अलग पॉइंट्स वाली वैल्यूज प्रिंट होगी। अब ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कैसे कराएंगे, तो यहाँ लिख देंगे इम्पोर्ट कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लिखिएगा रैंडम, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट रैंडम लिख करके एंटर कर दीजिएगा, ये रैंडम इम्पोर्ट हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, रैंडम जैसे ही इम्पोर्ट कराते हैं तो उसके बाद यहाँ पर इसी को प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और फिर लिखेंगे R A N D O M रैंडम, और फिर क्या लिखना है, जैसे रैंडम लिखेंगे तो रैंडम और डॉट रैंडम लिखिएगा, डॉट रैंडम इस तरीके से सिंपली रैंडम डॉट रैंडम लिख देना है। कितने ब्रैकेट ओपन हुए, दो ब्रैकेट, तो दो ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। हर बार देखिए अलग अलग आएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, हर बार अलग अलग आएगा। इसको मैंने इस तरीके से रन करवाया, तो यहाँ पे देखेंगे तो R A डॉट पी वाई लगाना जरूरी होता है, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। यहाँ पर इस नाम से पहले से कोई फाइल सेव है, इसको किसी अन्य नाम से सेव कर देते हैं और एंटर करते हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा नंबर प्रिंट हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं 0.261 करके आ रहा है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो फिर ये रन कराता हूँ, ये देखिए यहाँ से गए और यहाँ पे रन करवाया, तो देखिए अब ये 0.134 दे रहा है, पहले 0.261 कुछ इस तरीके से आ रहा था। फिर रन करवाएंगे तो फिर कुछ अलग आएगा, हर बार अलग अलग नंबर रैंडमली नंबर ये जनरेट करता जाएगा, अपने आप पॉइंट वाली नंबर आपको जनरेट कराना है तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं इंपोर्ट करवा के, ठीक है ना। तो रैंडम एक मॉड्यूल है, याद रखिएगा, ठीक है।